और एक और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत की खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को एक बड़ी जीत मिली है। युवराज सिंह ने मनोज प्रजापति को हरा दिया है। इस तरह से युवराज सिंह को ये जीत मिली है, मनोज प्रजापति को 17,771 मतों से हराया है। उपचुनाव का ये दौर, उसी में एक कामयाबी मिली है। सपा के उम्मीदवार मनोज प्रजापति को बीजेपी के प्रत्याशी ने हरा दिया है और इस तरह से ये जीत हासिल की है। युवराज सिंह को 74,168 वोट मिले हैं और इन्हीं वोटों के बदौलत ये जीत हासिल की है। उपचुनाव में भी बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत की खबर, युवराज सिंह ने मनोज प्रजापति को हरा दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी युवराज सिंह, जिन्होंने मनोज प्रजापति को 17,771 मतों से पराजित कर दिया है, तो ये खबर आपको बता रहे हैं। सपा के उम्मीदवार को हराया है, जिनका नाम है मनोज प्रजापति, और इस तरह से बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। उपचुनाव में भी युवराज सिंह को 74,168 वोट इस तरह से मिले हैं। उपचुनाव में भी बीजेपी अपनी जीत का परचम लगातार लहराती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं, युवराज सिंह ने मनोज प्रजापति को हरा दिया है।